15 अक्टूबर सन 1914 के दिन दिल्ली में जन्मा एक बालक जिसे भारत वर्ष के औद्योगिक जगत में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी थी। हालांकि डॉक्टर भरत राम का जन्म देश के एक जाने माने उद्योगपति लाला श्रीराम के घर में हुआ, पर उनका पालन पोषण अत्यंत सादगीपूर्ण और अनुशासनमय रहा। डॉक्टर भरत राम की प्रारंभिक शिक्षा एक मदरसे में हुई तथा आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें मॉडर्न स्कूल कश्मीरी गेट भेज दिया गया। स्नातक स्तर की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली के प्रसिद्ध सेंट स्टीफन्स कॉलेज से की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनका बहुमुखी विकास हुआ। डॉक्टर भरत राम न सिर्फ अपने पाठ्यक्रम में निपुण थे, बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की हॉकी टीम तथा टेनिस टीम का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और सेंट स्टीफन्स की क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे। उन्होंने अपने पिता लाला श्रीराम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर DCM को ऊंचाइयों तक पहुँचाया। 23 वर्षों के परिश्रम उपरांत वे DCM श्रीराम के चेयरमैन के पद के अधिकारी बने, जहां एक ओर उन्होंने भारतवर्ष के उद्योग जगत को आगे ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई संस्थानों का नेतृत्व किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने देश की शिक्षा, संस्कृति और खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए भी कई योगदान दिए। कर्जन रोड में स्थित अपने विशाल काय निवास में वे न जाने कितने ही ख्याति प्राप्त राजनेताओं, अफसरों, लेखकों, कवियों और प्रसिद्ध व्यक्तियों के मेजबान बने, जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं उनके स्वयं के चरित्र पर भी एक सकारात्मक छाप छोड़ गया। डॉक्टर भरत राम ने DCM हॉकी और DCM फुटबॉल टूर्नामेंट की भी स्थापना की। ये दोनों प्रतियोगिताएं कुछ ही वर्षों में देश विदेश के दिग्गज खिलाड़ियों को आकर्षित करने लगी। उन्होंने भारत की प्रथम पेशेवर गोल्फ प्रतियोगिता DCM ओपन की भी स्थापना की, जिसे अब SRF गोल्फ मैच प्ले टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता है। गोल्फ के प्रति डॉक्टर भरत राम का स्नेह निस्वार्थ था। डॉक्टर भरत राम क्लब के एक संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने न सिर्फ दिल्ली गोल्फ क्लब को गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी में तब्दील होने से बचाया, बल्कि उन्होंने क्लब का नेतृत्व भी अनेक बार किया। उन्होंने पीटर थॉम्पसन को भारत आकर क्लब का आधुनिकीकरण करने का न्योता दिया। आज भी दिल्ली गोल्फ क्लब का वही स्वरूप है जो उनकी देखरेख में बनाया गया था। डॉक्टर भरत राम अपने उद्योग के साथ कई और शौक रखते थे। उन्हें रोज सोसाइटी ऑफ इंडिया के विकास के लिए न जाने कितने ही मंचों पर सराहा गया। दिल्ली के नेशनल रोज गार्डन की स्थापना में भी उनका योगदान अद्वितीय था। बागवानी में उनका शौक उनके घर के बागीचे में साफ झलकता था, जो कि दिल्ली के बेहतरीन बागीचों में गिना जाता था। श्री मुरलीधर और श्री शंकर लाल द्वारा शुरू किए गए शंकर शाद मुशायरे को भी प्रदेश में मशहूर करने में डॉक्टर भरत राम का बड़ा योगदान था। जावेद अख्तर का मानना था कि एक कवि के लिए इस मुशायरे का निमंत्रण ही उसके भविष्य को बना देता था। डॉक्टर भरत राम में भी चंद अवगुण थे, मसलन उनका सिगरेट के प्रति चाव। लगभग हमेशा ही उनकी उंगलियों में एक सिगरेट होती, जिसे वो आधा ही पीते थे। जब डॉक्टरों ने उन्हें उनके कैंसर से अवगत कराया तो उन्हें यह आदत छोड़नी पड़ी। कभी कभी उन्हें ताश खेलना भी पसंद था और लोग उनके साथ खेलना पसंद भी करते थे, क्योंकि डॉक्टर भरत राम को ताश में हरा कर पैसे कमाना आसान था। व्यापार में अनुभव, कविताओं का प्रेम, खेलकूद से प्रतिस्पर्धा की भावना, बागबानी से मोहब्बत और जीवन में उतार चढ़ाव डॉक्टर भरत राम को एक विनम्र, अनुकंपावान और नेक दिल इंसान बना गए। 10 जुलाई सन 2007 को न जाने कितने ही लोगों के जीवन में रोशनी बिखेरने वाले महापुरुष का इंतकाल हो गया। लंबे समय तक बीमार रहने के बावजूद डॉक्टर भरत राम अपने अंत समय में भी हंसमुख दिखाई दिए। उनके अंतिम संस्कार में इकट्ठा हुए हजारों की तादाद में लोग उनके जीवन के सारे पहलुओं का एक नमूना थे। विद्वान, नेता, अभिनेता, उद्योगपति और देश की जानी मानी हस्तियों के अलावा वहां उनके गोल्फ क्लब के कैडी,
बागीचों के माली और सभी प्रियजन के अलावा डीसीएम और एसआरएफ के न जाने कितने ही सहकर्मी उपस्थित थे जिनके जीवन को डॉक्टर भरत राम ने छुआ था। आज उनकी 100वीं जन्म वर्षगांठ पर हम उन्हें गौरव से याद व नमन करते हैं।